अभी आप देखेंगे कि इसी के मध्य में अरुद्र नक्षत्र जिसका जिसकी लॉर्डशिप राहु के पास है, जो खुद एक नॉर्थ नोड के नाम से जाना जाता है, जब उसमें सूर्य की प्लेसमेंट आ जाए 6 degree 40 minutes से लेके कहां तक जाएगी, ये 20 degree तक जाएगी। जब उसमें यदि सूर्य बैठ जाए तो क्या होने वाला है, तो राहु है, राहु भी घूमने फिरने का कारक है, तीसरा घर भी घूमने फिरने का कारक है, और इसकी जो इक्वेशन बनी है वो पहले या तीस की है, इसलिए रोमिंग अबाउट का वो इंटरेस्टिंग होगा, छोटी छोटी ट्रेवल में इंटरेस्टेड होगा, घूमने फिरने का इंटरेस्ट होगा। सूर्य पांचवें घर का मालिक है, पांचवा घर टूरिज्म का है, टूरिज्म ट्रेवल में भी वो इंटरेस्ट होगा। और उसका एक बात और, मंगल भी ईगो का प्लैनेट है, सूर्य अथॉरिटी का प्लैनेट। सूर्य के पास अथॉरिटी है, मंगल के पास ईगो है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि जो सूर्य है वो इगोइस्ट होगा, लेकिन राहु, अब मंगल के पास इगोइस्ट था, अब राहु के पास क्या हो गया, इसको गुस्सा भी आने लग गया, ये इसकी ईगो ज्यादा हर्ट होने लग गई है, ये सेंसिटिव हो गया है, इसने ऐसे काम करने हैं कि जिसको ग्रहण लगना है। जो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है वो दो ही है, सबसे ज्यादा केतु, उसके बाद राहु। अब सूर्य राहु के पास आ गया है, इससे ऐसे काम करवाने कि लोग इसको लाइक ना करें, तो उसने क्या करना है, सूर्य की ईगो को बढ़ावा देना, राहु बढ़ावा देता है, सूर्य की ईगो को बढ़ा देना है यहाँ पे, और उसे इसकी जो पॉपुलरिटी है बंदे की कम होने शुरू हो, उसने गुस्सा झुंझलाहट ज्यादा दिखानी है, लोगों से झगड़ा ज्यादा करना है, तो उसे उसकी पॉपुलरिटी पे असर पड़ेगा। अब जब राहु में आ गया, राहु की एक झिल्ली उसके सूर्य के आसपास आ गई, तो उसने उसको एडमेंट कर देना है, एडमेंट कर देना है, जो दिमाग में आ गया वही अच्छा है। अब क्योंकि सूर्य राहु का लिंक आ गया, सूर्य है तो गोल चेहरा, जेमिनी साइन के साथ जब सूर्य मिल गया तो बाल कम, और जब राहु है तो एक काम, फ्रॉड, जैसे आजकल YouTube पे फेक वीडियो आते हैं, ये जिसका ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं वो कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी कर सकते हैं कि जो सूर्य है यहाँ पे तीसरे घर का मालिक है, अपने फायदे के लिए डॉक्यूमेंट फोर्ज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट झूठे बना सकते हैं, जैसे किसी ने झूठा लाइसेंस बनवा लिया, झूठा सर्टिफिकेट ले लिया, ऐसे ऐसे काम ये कर सकता है। आप ये समझो कि इसने वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इसको ग्रहण लगना है, इसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचनी है, इसने वो काम करने शुरू कर देने हैं राहु के इन्फ्लुएंस में आके।